क्रॉस करते हैं, कश्ती में भी बहुत मसले आ जाते हैं, कभी कभी कश्ती फंस जाती है, इस किस्म के बहुत से हमें मसाइल हासिल करने पड़ते हैं। पानी जब ज़्यादा होता है फिर भी बड़े मसाइल होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, मोटरसाइकिल इतने होते हैं, कोई जगह नहीं होती, डर भी साथ लगता है, तो फिर भी हम इतनी मुश्किल से सफ़र करके इधर आते हैं, दरिया क्रॉस करते हैं। जब हम इधर आते हैं घर में तो ज़्यादा दूर दूर के दूर दूर घर होते हैं, हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो फिर सबसे पहले उन्हें सलाम करते हैं, उनका हाल वाल पूछते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि 5 साल से हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने आए हैं। खेतों में जब गए होते हैं तो पहले अगर उसी घर के बच्चे हैं तो कोशिश यही हम करते हैं कि वो बच्चे आज हम कतरे पिला के जाएं, अगर देर हो जाए तो बच्चे नहीं आ सकते तो फिर हम अपने पास नोट कर लेते हैं टेलीशीट पे कि ये बच्चा हमारा रह गया है, फिर उसका वो टाइम भी लिखते हैं कि इस वक्त इसने वापस आना है, फिर हम दोबारा जब टाइम हमारा जब खत्म होता है तो फिर हम दोबारा रिविजिट करते हैं कि अगर वो बच्चे आए हुए हैं तो फिर उनको दोबारा हम कतरे पिला के फिर हम कर। सोशल मोबिलाइजर आते हैं वो भी अपने तरीके से यानी कि लोगों को गाइड करते हैं कि टीमों के साथ तामुन करें। टीमें हमारी घर घर आएंगी और आकर 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है बर वक्त जैसे ही टीम आपके घर पहुंचे आप अपने बच्चों को ले आए और आकर पोलियो वैक्सीन से कतरे पिलवाएं और टीमों के साथ तामुन करें। हमारे पोलियो की टीमें आती हैं तो उनके साथ तामुन करें और अपने बच्चों को पोलियो के बचाव से कतरे पिलवाएं ताकि हमारा पाकिस्तान जल्दी जल्दी इस मोदी बात से बच जाए।